नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए और फ्रेश वीडियो के अंदर। काफ़ी दिनों बाद मैंने व्लॉग फिर से स्टार्ट किए। अभी मैं हूँ सोनमार्ग में। मैं श्रीनगर घूम के आया। कश्मीर का एक पार्ट है, कश्मीर का एक कैपिटल है, तो वहाँ था, वहाँ बैटरी इश्यूज कुछ थे तो मैं व्लॉग नहीं कर पाया। लेकिन मैंने सोचा कि अभी लेह का जो मैं ट्रिप कर रहा हूँ तो सोनमार्ग से स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं सोनमार्ग में खड़ा हूँ। पीछे वादियाँ दिख रही होगी आपको, काफ़ी खूबसूरत। और अभी हम मैगी बना रहे हैं, तो ऐसा कुछ सेटअप है अभी हमारा। ये सारा सामान पड़ा हुआ है, यहाँ मैगी बन रही है, ये वादिया। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से, काफ़ी खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। सो मैगी बन गई है अभी अपनी, काफ़ी खूबसूरत। और ये है कॉफ़ी, थोड़ी काली काली सी कॉफ़ी रेडी और मैगी रेडी। चलो खाते हैं अब। एक नंबर। सो नाउ सूप टाइम, मनचाओ सूप, 10 रुपये पैकेट, ट्रैकिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, कैंपिंग के लिए, बहुत खूबसूरत चीज़, एक टाइम का खाना। और उसके लिए पानी गर्म हो रहा है अभी, तो ये गया सूप। अरे उड़ा उड़ा मत यार, स्पून कहाँ है? स्पून घुमाया जाए सूप में ताकि लम्स नहीं गिरे। तो एक्चुअली ये था इसका मनचाओ वेज सूप, मनचाओ इंस्टेंट वेज सूप है। इस ठंडी में सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है। सो राइट नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स मार्केट। अभी सोनमार्ग के मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से कुछ सामान खरीदेंगे, फिर देखते हैं। एक होटल वाले से बात की है, तो वहाँ कैंप वगैरह लगेगा या फिर उनका कोई फ्रेंड है वो डायट ले जा रहा है तो उनके साथ भी जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है और नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये है सोनमार्ग के रास्ते, सोनमार्ग के पहाड़, और इधर होटल्स वगैरह, सारे कॉटेजेस वगैरह काफ़ी महंगे हैं यहाँ पे। अभी भी 5,000-6,000 पर रूम, अभी सीज़न का टाइम है तो काफ़ी टूरिस्ट है। गुड मॉर्निंग गाइज। तो रात को मैंने यही टेंट लगाया था पीछे, इसके अंदर ढाबे के अंदर भैया ने जगह दी थी। काफ़ी ठंड है यहाँ पे, रात को भी काफ़ी ठंड थी, 6-7 डिग्री था, अभी भी 12-13 डिग्री है। तो अभी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम, व्यू दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट के साथ आपको। तो ये है अपना ब्रेकफास्ट, टी, पैनकेक टाइप है कुछ, और ब्रेड, केक, और ये नज़ारा यहाँ का, और ये अपना लगेज है सारा। तो गाइज अभी बैक टू लेह की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ लिफ्ट विफ्ट मिलती है तो। हाँ, ये जहाँ भी जमा होती है। अच्छा, वहाँ जमा होती है, ये आगे जमा होती है सब ट्रकें, वो जो लगा हुआ ना वो। सो राइट नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स जोजिला पास। जोजिला पास में अभी बर्फ है, तो वन वे कर रखा है ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर का। तो एक दिन इधर से गाड़ियाँ जाती है सोनमार्ग की तरफ से, और एक दिन कारगिल की तरफ से आती है। बीच में लगभग ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर का जो पेच है वो बंद रहता है, ओनली वन वे रहता है। तो आज इधर से गाड़ियाँ जाने का दिन है, मतलब सोनमार्ग की तरफ से गाड़ी जाएगी आज। तो हम अभी उसी के लिए थोड़ा आगे जा रहे हैं, रिचाई करेंगे वहाँ पर। सोनमार्ग में अभी भी बर्फ है, ऑलमोस्ट 2700 मीटर से ज़्यादा हाइट है उसकी, और देखते हैं 0 पॉइंट तक कुछ मिल जाता है तो वहाँ स्नो भी होगी। और अगर डायरेक्ट कुछ मिल गया कारगिल के लिए तो सीधा कारगिल चलेंगे। सो कारगिल यहाँ से ऑलमोस्ट 119 किलोमीटर है, 120 ऑलमोस्ट किलोमीटर है। यहाँ से कुछ 15-17 किलोमीटर वो है जोजिला पास, वो क्रॉस करने के बाद कारगिल आएगा। पहले द्रास आएगा, फिर कारगिल आएगा। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते आज। और ये पीछे है बेहद ही खूबसूरत सिंध रिवर, काफ़ी प्यारी और काफ़ी लंबी है।
जिसकी वजह से अपने देश का नाम हिंदुस्तान हुआ, सिंध से हिंदुस्तान बना था। काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी क्लियर रिवर है ये, और काफ़ी लंबी भी है। और हम भी गए थे सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो वहीं मुँह धोया, पानी वानी पिया, काफ़ी देर बैठे थे वहाँ पे। फ़ोन चार्ज नहीं था तो व्लॉग नहीं कर पाया मैं। अब वॉक करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो ये BSF कैंप है और यहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है शिव जी का, काफ़ी सुंदर। ये पूरा सोनमर्ग मार्केट है जहाँ पे सारी बेसिक्स थिंग्स और टूरिस्ट का सामान भी मिलता है, पब्लिक कन्वेंस। और ये अंकल, और ये है टूरिस्ट ऑफिस, ये वाला यात्री निवास गवर्नमेंट का, जम्मू कश्मीर TDC का। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए, रूम वगैरह, डॉर्मेट्री वगैरह सब कुछ मिल जाएगी यहाँ पे। और लुक एट दिस ग्लेशियर मैन, बहुत ही खूबसूरत ग्लेशियर है यहाँ पे। कारगिल, कारगिल पहुंच गया हूँ। कारगिल वॉर मेमोरियल भी जाना था, लेकिन वॉर मेमोरियल कुछ यहाँ से 15 किलोमीटर पहले रह गया और मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, सो गया था मैं ट्रक के अंदर ही। तो फिलहाल मैं कारगिल जो विलेज है, जो सिटी है, उसके व्यू पॉइंट पे खड़ा हूँ। तो मैं यहाँ से आपको एक झलक दिखाता हूँ शहर की। ये पूरा कारगिल विलेज है, कारगिल रोड जा रहा है शहर की तरफ। और ये पहाड़, इस पहाड़ के जस्ट पीछे की तरफ LOC पड़ती है, पाकिस्तान वाला। तो ये है शहर। तो अभी हम कारगिल से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर आ गए हैं लेह की तरफ। और नज़ारा देखिए, मैं इस ट्रक में आया था, इसके पीछे एक ट्रक और दो पाजी है, तो उनका ट्रक थोड़ा ख़राब हो गया, तो हम रुक गए। और चाय भी बन रही थी, तो चाय अंदर प्रोसेस में है। और यहाँ का व्यू देखिए आप, ये सारा इधर स्नो माउंटेंस और इधर एकदम से सूखे सूखे से, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और अभी चाय बनती है, फिर चाय पीते हैं और फिर आगे देखते हैं। ले तक पहुँच तक नहीं पहुँचते, बाबा बोल रहे थे कि जो जिनके साथ आया वो बोल रहे हैं आज तो नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी भी 200 किलोमीटर है और ट्रक तो धीरे चलता है, आपको पता ही, और रास्ते भी ऐसे ही है। तो धीरे धीरे पहुँचते हैं और देखते हैं कब तक होता है, अपडेट देता हूँ आपको मैं। अदरक खत्म हो गया, हाँ अदरक है। दादा हाई करो, चाय का मसाला होगा। दादा हाई करो, हाई हाई। चाय का मसाला होगा उसमें है, हाँ। कहाँ पे है? तो चाय बन चुकी है, अभी हमारा है ये चाय और कश्मीरी रोटी, इसको कश्मीरी रोटी बोलते हैं, चुरचुरा। तो ये करते हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। बाकी सब लोग भी अंदर हैं, सब चाय वगैरह पी रहे हैं और चुरचुरा खा रहे हैं। तो देखो खाते हैं फिर चलते हैं आगे। गाइज़ हम खालसी पहुंच चुके हैं, खालसी लगभग लेह से 100 किलोमीटर पहले हैं। वो ट्रक वाले अंकल थे, वो यहीं तक आ रहे थे, उन्होंने छोड़ दिया। और हम चलते चलते एक ढाबे पे पहुंच गए, ढाबा बाहर है। उन अंकल को पूछा हमने कि थोड़ा टेंट लगा दे, तो उन्होंने जगह दे दी कुछ, तो टेंट वेंट निकला है। अब टेंट सेटअप करते हैं
जल्द से मैं टेंट सेटअप करके आपसे फिर बाद में आपको। तो टेंट वेंट लगा दिया हमने और ये सब कुछ अंदर सिस्टम बैग रख दिए, नीचे मैट बिछा दी और नीचे कुछ कार्टून्स पड़े थे वो भी बिछा दिए, ये कंबल हो गई, वो स्लीपिंग बैग हो गया और ऐसा सब कुछ है। बस अब सोने की तैयारी है।